అస్సలాం అలైకుం. మై డాక్టర్ సమీనా, సమీనా హాస్పిటల్ తలాం కట్టే. ఆజ్ జో ఏక్ మరీజ్ మహమ్మద్ నదీమ్ కే నామ్ సే ఆయా థా, ఉస్కా జో హై నా ఫతే దర్వాజా హై ఉస్కా అడ్రెస్, ఔర్ జో హై నా వో తీన్ చార్ దిన్ సే ఉస్కీ తబియత్ కుచ్ నాసాజ్ థీ, ఔర్ ఉస్కో చెస్ట్ పెయిన్ థా, ఔర్ ఉస్కో పసీనే జా రహే థే, ఔర్ ఉస్కా మూమెంట్ ఐసా థా కి పూరే హాస్పిటల్స్ బంద్ రహనే కి వజహ సే వో హమారే మెటర్నిటీ హాస్పిటల్ కో ఆయా, जहाँ पर हमारा ओपी बंद था. ओपी बंद रहने से वो बेचारा बहुत मुश्किल से आके ओपी के हॉल में तो बैठ गया. मैं कैमरे में देखी कोई दम चढ़ रहा पेशेंट, फिर मैं आई आके चेक करके बोली कोई रिपोर्ट्स है क्या. साथ में एक ही आदमी था, वो बराबर हिस्ट्री बराबर नहीं दे सक रहा था, तो उनको रिपोर्ट्स उनके लाओ करो. बोली आप लाए बाद में उनको कुछ तस्दीक करेंगे. उनके सोचे तक वो पेशेंट में समझे अराउंड हाफ एन आवर एक्सपायर हो गया. डेढ़ बजे आया पेशेंट, दो बजे एक्सपायर हो गया. फिर हम उनको इतला दिए. वो इतनी देर में लोग जो पेशेंट कंडीशन में जो बाहर से आया, जिस तरीके से आया, उन्हें चलते हुए ही आया उन्हें, मगर उसको जो दम चढ़ रहा था और जो पसीने जा रहे थे और उसको बात करने नहीं आ रहा था चेस्ट पेन की वजह से, तो उनके फैमिली के लोग आने के बाद हम कंप्लीट हिस्ट्री निकाले तो ये पता चला कि वो पेशेंट जो है ना हार्ट पेशेंट था. उनको पहले से ही थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम था, उनके दवाइयाँ भी चल रहे थे, और एक चीज़ ये थी कि हम काफ़ी ओबीस थे, बहुत मोटे से थे, तो उसकी वजह से भी उनकी जो तकलीफ थी. एज भी क्या थी मैडम? 46 थी उनकी एज. और उन्होंने कोई बाहर जाके दुबई लंदन आके जाके ऐसा नहीं है, उन्होंने यहीं के लोग हैं और कोई जमात में भी नहीं गए, कोई कॉन्टैक्ट में भी नहीं है. उन्होंने ऑटो चलाने वाले मामूली इंसान थे, मगर वो मिजाज उनकी ख़राब रहने की वजह से दो महीने से घर के बाहर नहीं निकले थे. तो शायद मैं समझती हूँ उनका हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, और अब MI आया होगा. आने के बाद एकदम इंफेक्शन आने से उन्होंने जो है ना एकदम बेचैन हो गए, और इस वक्त जो हालत में आए हम उनको बराबर डायग्नोज करने के लिए हमको चाहिए टाइम, मगर हमको टाइम नहीं मिला. सिर्फ अराउंड हाफ एन आवर के अंदर हम उनको रिपोर्ट्स मंगा के बातचीत करें ताकि जो उन्होंने एक्सपायर्ड हो गए. और पूरे लोगों को मेरी तरफ से मैं इल्तजा कर रही हूँ कि बगैर मालूम करे कोई भी ऐसा अफवाह मत फैलाइए. ऐसा हो गया कि हमारे हॉस्पिटल के पास काफ़ी लोग जमा हो गए, मैं अंदाज़ा तो नहीं लगा सकती, मगर इतने लोग जमा हो गए कि हम खुद परेशान हो गए कि किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे. फिर हम सर्कल इंस्पेक्टर को, रैन बाज़ार को इन्फॉर्म करें, भवानी नगर को इन्फॉर्म करें, ACP साहब को इन्फॉर्म करें. MP साहब भी कई फिर पूछे क्या हुआ, तो हम ये बताया कि जो ना ऐसी सी बात है, मगर पब्लिक की इतनी शदीद बढ़ गई थी पब्लिक, जिसकी वजह से हम खुद परेशान हो गए. तो मैं समझती हूँ कोई ना कोई इसको यानी दम चढ़ा सा देख के इसको अफवाह एक बना के, और वो लोग को तो खैर रियलिटी नहीं मालूम ना, वो दम चढ़ा सा देख के बोले मेरी खांसी भी बोल रहा है, दम भी चढ़ रहा, बोल रहे होंगे क्या सोचेगी, सबको बोल दिए कोरोना वायरस बोल के आ गया इनको बोल दिए, जिससे हमारा हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है. और एक बात क्या है, सबसे मैं बात बताती चलूँ कि जो ना हमारा हॉस्पिटल एक मेटर्निटी हॉस्पिटल है, जहाँ हम डिलीवरीज ही करते हैं, और डिलीवरीज करते हैं इसलिए हम कोई जनरल केसेस को हम देखते भी नहीं हैं. तो इसी हालत में हमारा ओपी बंद है, सिर्फ हमारे कुछ डिलीवरी केसेस को, वो भी पेन्स आ रहे हैं तो उनको हम अंदर ले रहे खाली. इसी असना में ये बेचारा वो भी सीधा नहीं आया, उन्हें फतेह दरवाजे से ढूंढते दवाखाने, यहाँ पर खुला रहता है ये मेटर्निटी हॉस्पिटल है, बल्कि यहाँ पर आ गया. तो उस वजह से ऐसा हुआ कि मैं सबसे ये कहना चाह रही हूँ कि कोई कोरोना का पेशेंट नहीं था, आप लोग इतना परेशान मत हो जाइए और गैर जरूरी अफवाह मत फैलाइए, क्योंकि आप इसका खुलासा पूरा आप आराम से तफसीलात मालूम कर सकते हैं. मैं जितनी बोल रही हूँ, नाम के साथ बोल रही हूँ, एज के साथ बोल रही हूँ, उनकी हिस्ट्री के साथ बोल रही हूँ, उनको उनकी ओबेसिटी थे, उन्होंने ओबेस थे बहुत, वो भी बोल रही हूँ, तो आपको पूरी डिटेल में आपको सुना रही हूँ. अगर भी कुछ भी आप रहा तो मेरे से नंबर फोन करके आप इतला ले सकते हैं, मालूम हासिल कर सकते हैं आप, मगर प्लीज़ गैर ज़रूरी, पहले गरीब लोग जो बाहर मेहनत करके काम करके कमा के खाने वाले हैं, वो पहले ये परेशानी में है कि उनका गुजारा कैसे हो, वो कैसा खाएं, कैसा पिए, उनका घर कैसा चले. फिर ऊपर से अगर ऐसा बोल देंगे तो वो लोग खाली पीली के हाइबस से जो ना लोग भूखे प्यासे घरों के अंदर बंद होकर मर जाएंगे. सर प्लीज़ आप कुछ भी रहा तो मेरे से कॉल कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9160186681. थैंक यू.